कच्चा काबड़ी फाटक काबड़ी रोड पर हिंदुस्तान वूलन मिल में भयंकर आग लगने से मिल की सभी मशीनें जलकर स्वाहा हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि वूलन मिल की छत के भी परखच्चे उड़ गए। जैसे ही मजदूरों ने फैक्ट्री में आग लगने की बात का शोर मचाया तो आसपास के फैक्ट्री के मालिक और आसपास की लेबर भी आग बुझाने पहुंच गई और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन था। तब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां आई जिन्होंने आग पर काबू पाया। वूलन मिल के मालिक विजेंद्र जैन ने बताया कि आग से फैक्ट्री की सभी मशीनें जलकर राख हो चुकी हैं और माल भी काफी हद तक जल गया है, जिससे उनको 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। मशीन समझो 20 से 25 लाख रुपए में, और 20-25 लाख रुपए मेरा स्टॉक, क्योंकि मेरा स्टॉक काफ़ी कॉस्टली होता है, जो कि मेरा स्टॉक 100 रुपए से लेके रॉ मटेरियल कम से कम 200 रुपए तक का स्टॉक आता है। एक्स्ट्रा भी तैयार माल हमारा कम से कम 250 रुपए का लगभग बिकता है। क्या बनता है सर इस फैक्ट्री में? कारपेट यार, हाँ कारपेट। जो आग लगने कुछ पता चला रीजन कैसे लगे? बस शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, और तो कोई शॉर्ट सर्किट उसके अलावा और तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता है, उसके सिवा और कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है फैक्ट्री का? हिंदुस्तान इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपका क्या नाम है? विजेंद्र जैन। तो ये आग किस टाइम लगी, कितने देर तक काम है? ये लगभग 12:30 बजे लगी। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं? 3 गाड़ियाँ आई। कोई लेट हो, कोई पुलिस लेट हुई या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेट हुई है, किसी तरह का कोई ऐसा मैटर? भाई जब जितना टाइम लगना होता तो आ जाता है, लेकिन फिर भी आके जब तक फायर ब्रिगेड आई जब तक तो सब कुछ खत्म हो लिया था, यहाँ पे कुछ बच नहीं पाया तब तक, जब तक वो आई। इस वजह से